स्वागत है हमारी नई सीरीज साइंस 101 में। इस 2 मिनट वीडियो सीरीज के अंदर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में जानेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम बायोलॉजी, विच इज अबाउट ह्यूमन सेल। तो चलिए फिर से हम शुरू करते हैं। सो मैं आप सभी को बता दूंगी, सेल हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। सेल का फंक्शन ये होता है कि हमारे फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह अवेलेबल है उसे एब्जॉर्ब करके एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना। साथ ही साथ सेल का फंक्शन ये भी होता है कि हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। थर्ड फंक्शन सेल का होता है कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर अवेलेबल है फ्रॉम आवर पेरेंट्स उसे अपने अंदर एफिशिएंटली स्टोर करके हमेशा रखना। ह्यूमन सेल के बारे में तो हमने जान लिया, अब हम जानेंगे ह्यूमन सेल के एनाटॉमी के बारे में। तो हमारे सेल के बारे में प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। हमारे सेल्स एकदम ठीक से फंक्शन कर सके इसीलिए उन्हें कंट्रोल करने के लिए हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब जो भी काम हमारे सेल को करना है उसे करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए होता है। उस एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। अब हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडीज, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, ये सभी जो ऑर्गेनेल्स हैं इनके अंदर अवेलेबल रहते हैं। अब ये जो ऑर्गेनेल्स ये मिल करके हमारे सेल को प्रॉपरली फॉर्म करते हैं। दैट्स व्हाई इन ऑर्गेनेल्स को हम मिल करके सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तक छोटा सा वीडियो नई सीरीज के अंदर। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो इसे फ्रेंड्स भाई बहन के साथ जरूर शेयर करना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। माय नेम इज रितेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।